बात सुन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, खुश होंगे। माता रानी सबकी खुशी हमेशा बरकरार रखे। और इस समय दीपावली की दूसरी दिन है और जो मेरा ब्लॉग है स्टार्ट कंटिन्यू, तो ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, देखिए क्या क्या होता है, कैसे होता है। और कल रात को मेरा जो ब्लॉग गया था दीपावली के दिन उसके का, वो मेरा ब्लॉग गया रात को 10:30 बजे, जो आप लोग ने बहुत ज़्यादा प्यार तो नहीं दिया, लेकिन जो कि वो ब्लॉग काफ़ी अच्छा था। अब आप लोग सोचिए कैसा था, तो उसे जाके फटाफट देखिए, इंजॉय कीजिए और कंटिन्यू ब्लॉग के साथ रहिए। अब मैं चलती हूँ किचन में। किचन सुबह मॉर्निंग होते ही हम औरतों का किचन किचन, हाँ रे किचन क्या करें, किचन से निकलो फिर घर का। तो चलिए ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं दीपावली के दूसरे दिन का जो दिन था वहाँ पे मैं ऐसे, हाँ तो एक जैसे होता है ना सुकून वाली, आराम से बैठने वाला, चैन से वो वाली चीज़ें थी, तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से साड़ी जो था उसे फोल्ड कर रही थी। जैसे मुझे था कि आज मैं बिल्कुल आराम से सोऊंगी, बाकी कुछ भी नहीं करूँगी, ये मेरे मन में था जो मेरा सोच था। बट सारे पे कि एक राय पानी फिर गया। क्यों फिर गया? क्योंकि फिर यहाँ पे जब मैंने ये सब काम कर ली, उसके बाद हुआ कि हम लोग को निकलना था मार्केट के लिए, और मार्केट ऐसे पूरे तो नहीं खुले थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो बड़े बड़े शोरूम वगैरह ऐसे, तो वो खुले हुए थे, तो वहीं से हम लोग का काम था। तो हम लोग गए थे, निकले थे, और क्योंकि पूरी अब हम लोग का फिर से उधर जो भागम भाग था तो लगा ही था दीपावली की तैयारी। तो यहाँ देखिए आ गए थे हम लोग, तो यहाँ पे बहुत बड़ा, ये शुरू में बहुत बड़ा है, और यहाँ पे कपड़े के सारे कलेक्शन हैं, आपको जैसा भी चाहिए जो चाहिए सब कुछ यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं और पापा जी भी आए थे, ये भी थे, हम लोग सभी लोग, हम मैंने मैं और ये बाबू पापा चार लोग थे। तो यहाँ देखिए हम लोग पूरे अंदर तक एंट्री बाद में मारे, पहले तो अंदर, बाहर से मैंने कुछ नज़ारे खड़ी थी तो मैं यहाँ से आपको दिखा दी, काफ़ी बड़ा था जो गए। और मैं इसलिए यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉग नहीं स्टार्ट की, हो सकता हो लोगों को इसमें ना पसंद आया या जो भी हो, ब्लॉग करना बहुत लोगों को इस चीज़ों से अलग रहता ना कि नहीं पसंद रहता है, तो वही चीज़ें है। इसी को लेकर नीचे चला जाएगा, दे देंगे इसी का भी ले लीजिएगा। और यहाँ पे अब पापा जी, हम ये सब लोग ऐसे ही बैठे थे, और सभी लोग बैठे नहीं खड़े थे, मेरे हाथों में आप लोग को देखने से लग रहा होगा हाँ डॉक्यूमेंट लिए ना फाइल वगैरह ऐसा, लेकिन आपको पूरा घुमा के लोग इधर दिखा दे रही हूँ। ये बहुत बड़ा रूम है जो मैन्युफैक्चरिंग समझिए यहाँ होता है जो भी चीज़ें हैं, तो मैं दिखा रही हूँ यहाँ का सारा। और यहाँ पे हम लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे कि क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है, क्योंकि लेना ही था हम लोग को, तो यहाँ से सारी चीज़ हम लोग शॉपिंग तो करीब करीब हम लोग की हो ही गई थी, होने वाली थी, और सारे यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हम लोग के हो चुके थे, बस पैकेजिंग करके अब हम लोग को निकलना था। तो यहाँ पे मैं वगैरह भी थोड़ा देख रहे थे, कुछ सूट के कपड़े देख रहे थे अपने लिए, जैसे होता है ना जो आपको माल में इस तरीके से मिलता है उस तरीके सारी चीज़। और मेरे हाथ में दो साड़ियाँ वो भी मैं देखी, मुझे थोड़ा सा इसके कपड़े और कलर और भी अलग अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये सब चीज़ें बहुत ढेर सारी शॉपिंग की, और सच में बहुत खुशी मिल रही थी शॉपिंग करने के बाद। सच ये सच है कि औरतों को शॉपिंग करना हद से ज़्यादा पसंद आता है, और उनको बस पैसा दे दिया जाए और शॉपिंग करने के बोल दिया जाए तो बाकी वो तो पूरा दिन फ्री होके, जैसे मैं तो करती हूँ, मुझे सच में मुझे पसंद आता है। तो अब मुझे लगता है सभी लोगों को करीब करीब शॉपिंग पसंद आती है करना, या अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे ड्रेस, अच्छे अच्छे मटेरियल, वाह। तो मेरा बस चले तो मैं अब तो पूरा मार्केट उठा के लेके चली आऊँ, बट मेरा बस ही नहीं चलता है, क्या बताऊँ आप लोग से। तो लेकिन मजबूर हूँ इस जगह लेकिन मैंने आप लोग को थोड़ा सा जरूर लोग दिखा दिया। अब इसके बाद अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, चलते हैं घर, फिर मिलते हैं दूसरे दिन के ब्लॉग। चलो
अब दूसरे दिन की मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो गया। तो अर्ली मॉर्निंग जो डेली मॉर्निंग का रूटीन आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर होता है, तो आई होप इस तरीके से मेरा अर्ली मॉर्निंग का बिजी रूटीन जो हमारी लाइफ स्टाइल है वैसे ही स्टार्ट हो गई। फिर से एक नए सिरे से दीपावली के बाद से फिर से ये वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई, क्योंकि दीपावली तो बीत गई, अभी आज भी बच्चों का छुट्टी था, कल से बच्चों को स्कूल जाना है, तो भागम भाग बिजी रूटीन, लंच बॉक्स, वही चीज़ें, वही रूटीन, वही दिन, बस समय क्या रहेगा, किस समय और कम मिलेगा आपको, काम उतना ही रहेगा, समय कम मिलेगा, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे मैं कोम कर ली थी, क्योंकि थोड़ा सा बालों का वो मैं धुली थी, तो यहाँ पे मैं बालों को सुखा रही थी थोड़ा सा, फिर ऐसे मैं क्लचर लगा लूँगी, क्योंकि सुखाने लगूँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, और जिससे मेरे पास टाइम सुबह की मॉर्निंग का टाइम तो बिल्कुल नहीं रहता, तो यहाँ मैं किचन में आ गई। चलिए अब मैं सुबह की मेरे पूजा पाठ जो भी चीज़ें थी सब फिनिश हो चुका, अभी यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे दूध बॉयल कर रही थी और साथ साथ में जो भगवान को चढ़ते हैं वो किशमिश उसे खा के अब मैं पानी पीऊँगी। अभी तो मैं किशमिश खा रही हूँ, फिर गुड़ के बिना काम नहीं चलेगा, तो गुड़ तो मुझे लेना ही है, ये 100% है। और मैं सुबह की अर्ली मॉर्निंग बताती हूँ ना, मुझे गुड़ ही खाना पसंद आता, बाकी कितना भी अच्छा मीठा हो सुबह बिल्कुल मन नहीं करता है, बस मैं गुड़ खाना चाहती हूँ, गुड़ खा के उसके बाद पानी पी लेना चाहती हूँ, इससे होता है क्या कि थोड़ी सी सही रहता है। तो यहाँ पे अब सुबह की मॉर्निंग का रूटीन जो बिजी लाइफ स्टाइल हमारी चलती है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ब्लॉग, तो पसंद ज़रूर आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलेगा, क्योंकि एक जो होती है ना छोटी छोटी क्लिपें आप लोग के साथ शेयर करते हैं, एक अपनी रूटीन बिजी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने क्या उड़द की दाल भिगोई है, आज कुछ ही स्पेशल बनने वाला है, तो स्पेशल ही ब्लॉग समझिए हो गया, बस स्पेशल है रेसिपी पूरी नहीं शेयर होगी, यहाँ पे उड़द भी हुई हूँ, इधर चने की दाल, इससे तब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि मुझे क्या बनाना है कैसे बनाना है। जो लोग बनाते हैं उनको समझ में आ ही गया होगा, जो लोग नहीं बनाते हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चलिए मैं वो भी बता देती हूँ। तो पहले यहाँ पे वो मेरा रखी हूँ गर्म हो रहा, इधर अब मैं आलू बोड़े की मसालेदार सब्जी थोड़ी सूखी में बनाऊँगी लटपटी, जिसे मुझे चावल नहीं बनाना है। तो ये देखिए क्या है, चावल काटा हुआ है जो मैंने अभी ग्राइंडर से पीस के निकाली हूँ, तो यहाँ पे चावल काटा मैं निकाली और इसमें मैं मिलाऊँगी अब थोड़ा सा अलग एक दूसरे बर्तन में मिलाऊँगी गेहूँ का आटा, जिससे दोनों को मिक्स करके गूँथूँगी। गूँथने के बाद मैं क्या बनाऊँगी, ये देखिए अब चना धुल उड़ के दाल मैंने तैयार कर लिया है, इसका अब मैं बनाऊँगी क्या फरा, हम लोग के यहाँ फरा बोला जाता है, आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम, बताइएगा, बट कुछ लोग हो दलपिट्ठा बोलते हैं, कुछ लोग उसे गोइठा वगैरह क्या बोलते हैं मुझे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ फरा ही बोला जाता है, तो मैं तो आप लोग के साथ फरा ही बोलूँगी, दलपिट्ठा भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए देखिए मम्मी यहाँ पे भर रही हैं और मम्मी स्टार्ट कर दें काम, मैं सब्जी छौकार तैयार कर रही थी, बाकी और काम कर रही थी, क्योंकि ये जब एक साथ में बनता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बार बार करने से दिक्कत होती है। तो यहाँ देखिए पक्के हो गई तैयार, ये पानी में बॉयल करके मैं बनाई हूँ, और यहाँ खीर मेरी बन चुकी है, सब्जी बन चुकी है, तो चलिए अब सारा काम हो गया, मैं किचन क्लीनिंग की तरफ चलती हूँ। हाँ मैंने कान्हा जी के बारे में लास्ट में बात किया था, बट कान्हा जी हमारे वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाए, इसके लिए सॉरी। मार्केट और दूसरे दिन की ब्लॉग, क्योंकि अभी आज भी निकलना है, तो चलिए मार्केट का कुछ व्यू आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि फटाफट मैं काम कर रही हूँ तो निकल। एक इंडियन हाउसवाइफ अपने बिजी लाइफ स्टाइल को कैसे बनाई रखती है और कैसे घर और बाहर दोनों मेंटेन करके चलती है, तो आप लोग खुद ही देखते हैं, हमारे ब्लॉग के ज़रिए आप लोग को सारी चीज़ें पता चलती है क्या है कैसे है। तो जिन्हें हमारा वीडियो पसंद आता है वो लाइक कमेंट जरूर करता है, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो डिमोटिवेट करने आते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं उन्हें भी खुशी खुशी मन से एक्सेप्ट करती हूँ,
तो यहाँ पे मैं कढ़ियों के क्या देख रही थी, अच्छा फ्राई पैन भी यहाँ पे था और तवा भी था, तो ये दोनों को मैं हटा दूँगी क्योंकि शाम को फिर आ जाएंगी लक्ष्मी जी हमारी शाप करने के लिए। तो फटाफट अब मैं चलती हूँ पहले किचन क्लीन करने के बाद। अब मुझे ये थोड़ा सा स्लैप ओप, ये सब साफ तो था ही लेकिन बट थोड़ा थोड़ा आप अगर छोड़ते रहते हैं ना तो डस्ट ऐसे ही पड़े रहते हैं, फिर आपका छोड़ना मुश्किल हो जाता है डस्ट का। तो इसलिए मैं डेली का डेली ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ नहीं नहीं करूँगी लेकिन मन ही नहीं मानता है, तो सारी ब्लॉग इस तरीके से। तो चलिए, और यहाँ पे अब देखिए हम निकल चुके हैं मार्केट। तो ये है गोदौलिया चौराहा, जो हमारे हाथ से बाएं साइड में देखेंगे तो इधर मारवाड़ी हॉस्पिटल है, इधर डायरेक्ट सीधे आपको रोड चलता है चलाया जा रहा है गंगा जी होते विश्वनाथ जी होते हुए, विश्वनाथ जी होते हुए आपको दशाश्वमेध घाट पहुंचा देगा, तो फटाफट वहां तक जा सकते हैं। तो ये रोड अब मैं निकल चुकी हूँ इस रोड पर, तो क्योंकि मैंने फूल नहीं यहाँ तक आपको कुछ नज़ारे दिखा रही हूँ क्योंकि फिर मुझे ब्लॉग करना, और देखिए काफ़ी जो कि लोग को ये दिमाग में था कि मार्केट बंद होगा बट अभी भी भीड़ वैसी ही है, आप देखेंगे बरकरार भीड़ है जैसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से पूरे मार्केट भी आज भी वैसे ही भीड़ भक्कड़ सजा है, बस थोड़े से जो डेकोरेट थे वो सब चीज़ें अब नहीं उतना है दीपावली की तरह, लेकिन बनारस हर समय रात आप 12-1-2 बजे चौराहे के पास यहाँ आ जाएंगे आपको सुना साना नहीं मिलेगा, कोई ना कोई 2-4-10 लोग मिल ही जाएंगे। फाइनली आज मेरा ब्लॉग जो अभी जाएगा, आज जाएगा तो अभी जाएगा, और मेरे चेहरे कैसे लग रहे हैं अभी, जस्ट मैं मार्केट से और मैं एक कान में पहनी हुई एक कान में नहीं और वीडियो स्टार्ट हो गया अभी उसको डाली रही थी ध्यान से उतर गया एक पहन के लिए मोबाइल, तो मैं सोची चलो आप लोग से बात कर लेते हैं। तो मुझे निकलना था शॉपिंग के लिए और शॉपिंग करके आई मैं, थोड़ा सा बच्चों का विंटर वगैरह के कपड़े ये सब, और निकलना है कहीं इसके लिए भी पैकिंग तैयारी स्टार्ट अब हो रही है। तो सुबह मॉर्निंग से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया था आप लोग के साथ, तो क्योंकि और उसके बाद मैंने क्या निकल गई थी मार्केट, तो फिर आप लोग के साथ कोई ब्लॉग ही नहीं बन पाया मेरा, स्टार्टिंग नहीं हो पाया। तो मैं सोची चलो और कुछ मैंने मार्केट का आप लोग को लुक थोड़ा थोड़ा कुछ एक चीज़ मैंने उसमें सबसे इम्पोर्टेंट दिखाया जो मुझे देखने में अच्छा लगा, कि एक लोग डलिया में लेकर एक कान्हा जी को अपने मार्केट कर रही थी, पूरे डलिया में ले कर मार्केट कर रही थी। तो होता है जैसे एक लोग को प्यार हो जाना या किसी चीज़ को एक होता है ना लगाव बहुत ज़्यादा वो चीज़ें, तो मैंने देखती थी अभी YouTube पे देखती थी इधर उधर, लेकिन कल जब आज अपने मार्केट में जब देखी हूँ मैं, मुझे बहुत मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी की हूँ तो आप लोग देखे ही होंगे। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल पर नए हो फटाफट सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, एक लाइक करिए, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।